नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल आईटीएन एडू हर्ट। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोविड 19 और कोरोना वायरस के रिलेटेड वीडियोस है। तो आप सभी जानते हो कि सभी को मैसेज किया गया है, सभी के पास व्हाट्सएप पे हो या मैसेज पे हो, मैसेज गया है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जो प्रेजेंटेशन से मैं आपको डिटेल्स में बता पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे, चलिए जान लेते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में। ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किए हैं एनआईसी ने, लॉन्च किए एनआईसी ने, डेवलप किए हैं एनआईसी ने। तो ट्रैकिंग एप्लीकेशंस क्या क्या है अभी तक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड 19 ट्रैकर एप्लीकेशन चालू किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो है कोरोना कवच। नीति आयोग ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है और एनआईसी है, एनआईसी जो एप्लीकेशन को लॉन्च किए है वो है आरोग्य सेतु, जिस एप्लीकेशन के बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इट्स ए कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन डेवलप बाय एनआईसी। ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो कि एनआईसी ने डेवलप किया है इसको, और एनआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर पे है। ये एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स एंड इन ऐप स्टोर फॉर आईफोन यूजर। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है अवेलेबल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है आईफोन यूजर्स के लिए। नंबर थर्ड जो है, दिस एप्लीकेशन यूजेस जीपीएस सिस्टम एंड एक्टिवेटेड ब्लूटूथ। ये एप्लीकेशन जो है, यूजर जब मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल के जीपीएस सिस्टम और एक्टिवेटेड ब्लूटूथ सिस्टम को ये यूज करता है। नंबर फोर्थ है ऐप स्कैन डेटाबेस ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये एप्लीकेशन क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन स्कैन करते हैं ICMR का डेटाबेस। तो ये ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो चलिए, जब यहाँ पे इस एप्लीकेशन ICMR का डेटाबेस को स्कैन करके यूजर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके नज़दीक कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन था या है, सो इस ICMR के बारे में जान लेते हैं। ICMR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ICMR क्या करते हैं, और ये ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे के अंदर में है। तो ICMR मेंटेन द डेटाबेस ऑफ कोविड 19 इन्फेक्टेड पर्सन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ICMR कोविड 19 इन्फेक्टेड पर्सन का डेटाबेस को मेंटेन करता है। और क्या करते हैं ICMR, ICMR गिविंग इट्स डेटास एक्सेस टू NIC's आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। तो ये ICMR क्या करते हैं, इसका जो डेटाबेस है, डेटाबेस मीन्स जो कोविड 19 इन्फेक्टेड पर्सन के डेटाबेस है, ये डेटाबेस का एक्सेस देते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन अवेलेबल इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 11 लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज में है ये एप्लीकेशन। यूजर विल हैव टू रजिस्टर हिज बाय हिज मोबाइल नंबर। जो यूजर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, वो एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए अपने आप को उस एप्लीकेशन में, उनको अपना मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोविड 19 ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, तब आपसे कुछ सवाल पूछेगा जो कि कोविड 19 कोरोना वायरस रिलेटेड है। आस्क एक्सेस ऑफ योर GPS लोकेशन एंड ब्लूटूथ। आप जब इंस्टॉल करोगे, तब आपका फ़ोन का GPS और एक्टिवेटेड ब्लूटूथ का एक्सेस आपको अलाउ करना पड़ेगा। चलिए अभी जान लेते हैं हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करते हैं। दिस एप्लीकेशन यूज GPS
ब्लूटूथ सिस्टम ऑफ यूज़र, ये एप्लीकेशन पहले भी मैंने बता दिया, ये एप्लीकेशन मेनली जो काम करते हैं वो यूज़र का लोकेशन ट्रेस करते हैं वाई जीपीएस और एक्टिवेटेड ब्लूटूथ सिस्टम से। नंबर टू ऑप्शन क्या है, स्कैन आईसीएमआर डेटाबेस एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन टू यूज़र रिलेटेड टू कोविड-19। ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आईसीएमआर के डेटाबेस को स्कैन करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं यूज़र को। यूज़र मीन्स अगर मैं इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो मैं भी एक यूज़र हूँ, तो यूज़र को शेयर करते हैं रिलेटेड टू कोविड-19, जो कोविड-19 के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र को शेयर करते हैं। ब्लूटूथ विल डिटरमिन इफ़ यू हैव 6 फीट डिस्टेंस ऑफ ए कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन और नॉट। और इसका जो एक्टिवेटेड ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ आपको डिटरमाइन करेगा कि आप 6 फीट डिस्टेंस पे हो कि नहीं एक कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के। चलिए, इस पूरा सिस्टम को जानने के लिए मैंने एक माइंड इमेज बनाया आपको, आप देख लीजिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है सर्कल कर दिया है मैंने, ये है राम। राम जो है एक यूज़र है जिसने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। और यहाँ पे श्याम जो है, श्याम इज एन इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट। और यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, इफ राम इज नियर टू श्याम, राम नियर टू श्याम, देन द एप्लीकेशन विल शो, एप्लीकेशन शो करेगा राम को एक इंफॉर्मेशन दैट राम वॉज नियर टू श्याम बाई हिज GPS लोकेशन और ब्लूटूथ लोकेशन। ये राम है, ये यूज़र है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का, और ये श्याम है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 का। तो जब राम और श्याम नज़दीक में आएगा तो ये एप्लीकेशन राम को इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इस इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक में हो, या आप कभी इस इन्फेक्टेड पर्सन के कैसे होगा ये चीज़, हाउ। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ICMR इज मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ICMR क्या करते हैं, ICMR ये जो श्याम जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसका पूरा डेटाबेस और लोकेशन ट्रेस करते हैं ये ICMR। तो ICMR जब मेंटेन करते हैं तो ICMR को पता चल जाता है कि इसका नज़दीक, इसका GPS एरिया में और कौन कौन यूज़र है। जब राम श्याम के पास आते हैं तो जो एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं राम को कि आप श्याम के नज़दीक में हो, मतलब आप इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक में हो। और ये कैसे करते हैं, ये होते हैं श्याम जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन की एवरी डेटाबेस मेंटेन करता है ICMR। जो ICMR मेंटेन करते हैं डेटाबेस को इन्फेक्टेड पर्सन का और लोकेशन, तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या करते हैं, ICMR को डेटाबेस को रीड करते हैं, रीड करके स्कैन करके पता चल जाता है कि ICMR के पास श्याम का डेटा है और श्याम का जो लोकेशन है वो दूसरा एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज़र है जो श्याम का लोकेशन के नज़दीक है। तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक हो या नहीं। तो आई होप कि आपने समझ लिया है चीज़ को कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस आपको आपके लिए मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।